It's the call of the blue. 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 Like a fire in my every vein. When I hear it, nothing else remains. What's up guys, welcome to Blue Motor Talks. और आज हम आए हुए हैं यामाहा के शोरूम. तो बेसिकली ये शोरूम है, ये मसवा मोटर्स का है. एंड शोरूम ये हमारे वहाँ लखीमपुर खीरी में LRP चौराहे के पास इसका शोरूम है. तो गाइस अगर शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें, डिटेल एड्रेस की बात कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेंगे. वहीं आपको सारे यहाँ उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स में मिल जाएंगे. तो गाइस आज यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट होने वाला है. पहले भी हम इस इवेंट में आ चुके हैं. तो जो इवेंट का नाम है हाइब्रिड माइलेज चैलेंज. बेसिकली ये जो माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, ये हम इनकी यामाहा की जो मोस्ट पॉपुलर स्कूटर्स हैं उनमें हम करने वाले हैं. एक हमारी फसिनो हो गए और एक रेजेड आर हो गए. दोनों स्कूटर्स का आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं. तो माइलेज टेस्ट बेसिकली हम ये करने ऐसे करेंगे, पहले तो इस गाड़ी को हम ऊपर तक एकदम फुल कर देंगे. देन यहाँ पर हमारी जो राइड की रेंज होगी, जो भी ये यामाहा वालों ने डिसाइड करी होगी, लगभग 10 किलोमीटर्स की अप्रॉक्स में बता रहा हूँ. अभी कंफर्म होकर मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ से हम जितनी चलाएंगे फिर वापस में आने के बाद शोरूम में फिर हम उसको वहाँ तक टॉप ऑफ फिलअप करेंगे. देन जितना भी फ्यूल इसने कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने के बाद हम वही से इसका माइलेज निकालेंगे. तो गाइस अभी तो जस्ट अभी थोड़ी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो. बारिश के बाद हम लगभग एक घंटे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे राइड पे. तो वहीं पे हम बताएंगे कि कैसी क्या राइड होने में, कैसी कैसी सिचुएशन में हम लोग ड्राइव करें. तो आप वीडियो में बने रहना एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना. तो गाइस अब हम गौतम सर से बात करने वाले हैं कि अबाउट दिस इवेंट, कि हम इस इवेंट में क्या करने वाले हैं एंड कैसे स्कूटर्स का फ्यूल मेजरमेंट करने वाले, कौन से स्कूटर का हम यूज़ करने वाले हैं. सर मेरा नाम गौतम शर्मा है, मैं यामाहा मोटर एरिया से सर्विस मैनेजर हूँ. आज हम एक्चुअली यहाँ पर माइलेज चैलेंज एक्टिविटी प्लान किए हुए हैं जो स्कूटर्स की है, और इसमें जितने भी हमारे रेजेड आर या फसिनो हैं उनके एक्चुअल कस्टमर्स को यहाँ पे हमने बुलाया है. वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे हम उनकी गाड़ी फुल टाइम कर रहे हैं, वो गाड़ी को 10 किलोमीटर पर चलाएंगे, चलाने के बाद वो वापस आएंगे. वापस आने के बाद में गाड़ियों में जो है फिर से हम फुल टाइम करेंगे वापस. उसके बाद हम उसका माइलेज कैलकुलेट करेंगे. इससे जो है पर्पज़ यही है, और जो भी हमारे विनर्स होंगे उसको कंपनी की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स और ये सारी चीज़ें हैं. अच्छा, अप्रॉक्स कितने किलोमीटर की हम यहाँ पर राइड कर रहे हैं? 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के आसपास का किलोमीटर रन करेंगे. हाँ, तो इसमें कौन कौन सा रूट कवर करेंगे हम? इसमें हम हर प्रकार के वेरियंट्स, जैसे फ्री रोड है, हाईवे भी है, मार्केट रोड भी है, सिग्नल्स वगैरह भी है, ताकि हम मिक्स कंडीशन में करें, ताकि कस्टमर को एक एक्चुअल रोड कंडीशन का फीलिंग आए, और उसके बाद हम माइलेज कैलकुलेट करके उनको. ठीक है सर, थैंक यू. भाई थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी वो माइलेज टेस्ट पर. तो राइड के लिए जितने भी स्कूटर्स यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, टोटल अभी 10 स्कूटर साथ में चलेंगे. तो उसमें से फसिनो है, रेजेड आर दोनों हैं. तो अभी इसे सीक्वेंस बढ़िया लाइन पर हम लगाने के बाद सारे जितने राइडर थे उनके साथ हम निकलने वाले हैं राइड पर. तो भाई सारे राइडर यहाँ पर रेडी हैं, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं अपनी ट्रिप पर. बेसिकली 20 किलोमीटर्स की ये राइड होने वाली है, और इसमें हमने सारे स्कूटर में फ्यूल फिलअप कर दिया. मैंने छोड़ दिया था वहाँ तक, सारे स्कूटर में फ्यूल टैंक फुल है. एंड वापस में आते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे किस स्कूटर है कितना कंज्यूम करेंगे. पर्टिकुलर एक एक स्कूटर में हम पूरा फ्यूल ऊपर तक भरेंगे, फिर देन वहाँ से कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि किस स्कूटर ने कितना कंज्यूम किया. एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यहाँ पर हमें प्राइस फुल रखा है. बाकी मेन हमारा मोटिव है कि आपको दिखाने की यहाँ पर यामाहा फसिनो रेजेड आर का माइलेज कितना है. तो अभी इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है. तो गाइस आगे मिलते हैं हम अपनी राइड पर. I can hear it in my heart and soul. It's calling out to me and you. It's the call of the blue. 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 तो भाई इतनी दूर की ट्रिप हमारी हो गई, अब हम देखने वाले कि हमने कितने किलोमीटर की ट्रिप कर दी है.
गाइस अप्रॉक्सिमेटली अभी 2 किलोमीटर हम चल दिए हैं, अभी कंटिन्यू हमारी 20 किलोमीटर की होने वाली है, सारे राइडर्स साथ में हैं एंड काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे वीडियो होने वाली, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो यहाँ ऐसे इवेंट कराते रहते हैं, अब कंटिन्यू हम ऐसे सारी इवेंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो गाइस बेसिकली ये अगर बता दें इवेंट कौन से शोरूम के थ्रू हो रहा है, यमा के बसवा शोरूम के थ्रू ये इवेंट हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो अभी हम थोड़ा ट्रैफिक में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक में क्या होता है, गाड़ी में काफ़ी सारे मतलब अप डाउन होते हैं पायलट में, तो वही हम टेस्ट करने के चक्कर में हम यहाँ पर रूट करवाए हैं। अभी हम थोड़ा यहाँ पर बहुत ही थोड़ा बैड रोड पर जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे इसका मार्जिन। तो सारी लगभग सिटी के जितने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रोड पर अपनी मार्जिन जो ड्रॉप करती है, हम सारे टेस्ट करेंगे उसके बाद में। यहाँ पर रुके हुए थोड़ी देर के, यहाँ पर ब्रेक लिया। अभी यहाँ पर 12 किलोमीटर की राइड और बची है, हम उसी को कम्प्लीट करेंगे। और अभी भी थोड़ा हम सिटी में हैं, सिटी एरिया में काफ़ी तेज यहाँ पर बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। एंड तभी ये माहौल है, सबको यहाँ पर रेनकोट प्रोवाइड कर रखे हैं, सबका सेफ्टी प्रिकॉशन में ध्यान रखा है सबने, यहाँ पर हेलमेट वेयर कर रखा है। अभी हम फिर कंटिन्यू करते हैं राइड एंड फिर आगे मिलते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। एंड फिर शोरूम में जाके मैंने बता ही रखा कि इसका हम माइलेज निकालने वाले हैं। तो मैं वीडियो में बने रखे हैं, वीडियो काफ़ी अच्छी होने लगी, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। 2 किलोमीटर की राइड हो गई है, अब 1 किलोमीटर की रोड राइड है, आप बची हुई है। फिर हम शोरूम में चल के यहाँ पर दोबारा स्कूटर में फ्यूल फिलअप करें, देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे कितना कंज्यूम करें, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी निकालने वाले हैं। तो गाइस सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, देखिए पहला दूसरा बाकी तो पीछे हैं, आ रहे हैं आराम से। एंड अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इनका माइलेज, जितना इतने जितने भी सारी गाड़ियों ने कंज्यूम किया होगा उसमें हमने फिर पूरा फ्यूल यहाँ पर टॉपअप करेंगे, ऊपर तक पूरी टैंक फुल करेंगे, उसके बाद हम उसमें से माइलेज करेंगे कितना स्कूटर ने यहाँ पर कंज्यूम किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्कूटर का माइलेज निकालने वाले हैं। ये सारे आ गए एंड यहाँ से तब लाइन से यहाँ पर सारे स्कूटर लग गए, अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर इसमें सारा फिर टॉप अप करेंगे ऊपर तक, फिर हम इसमें निकालने वाले हैं इसका फुल माइलेज। तो गाइस ऐसे वीडियो में बने रहो, और काफ़ी थोड़ी लेंदी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लास्ट तक देखते रहना। एंड ओवरऑल दिखा रहा हूँ कितने किलोमीटर की राइड हुई है, 19 किलोमीटर की राइड यहाँ पर हो गई है, और अब इसमें सारे फ्यूल्स को हम दोबारा यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो गौतम सर अब क्या करने वाले इसमें, अब हम लोग इसके अंदर पेट्रोल टॉपअप करेंगे, टॉपअप करने के बाद में माइलेज कैलकुलेट। अच्छा तो कुछ इसमें प्राइस पोल भी रखा गया है? हाँ, जिसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उसको 1200 रुपये का डिपो। अच्छा तो गाइस ये रहा सर ने बताया कि अब इसमें दोबारा फ्यूल टॉपअप करेंगे ऊपर तक, देन उसमें हम निकालने वाले हैं कि फिर टॉप अप करने के बाद ये पता चलेगा कि किस स्कूटर ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया। वहाँ पे एक मेजरमेंट करने के लिए जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें फ्यूल डाल के यहाँ पर डालेंगे, तो फिर फ्यूल का टॉप अप करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि स्कूटर ने कितना कंज्यूम किया और किसने कितने ज़्यादा माइलेज निकाला। बाकी स्कूटर तो सारे सबके सेम है, ये राइडिंग पर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा किसने कैसे बेटर चलाया, बाकी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ RA ZR से आप कितना माइलेज निकाल सकते हो। तो ऐसे कंटिन्यू वीडियो चलती रहेगी, आप वीडियो में बने रहो। खैर कोई नहीं, अब हम इसमें वापस भर लेंगे, और ये हमारा ML लगा है 300 ML सर, इसके सामने लिखेंगे 300 ML, और इसका किलोमीटर भी लिख लीजिए आप। बंद हो गया ये, इसमें और देख लीजिए पूरा आज का इवेंट एंड माइलेज टेस्ट हुआ। यमा की तरफ से पूरा ये ऑर्गेनाइज हुआ था, टोटल 20 किलोमीटर की रेंज थी, हमने 19 किलोमीटर की टोटल ड्राइव करी, उसी के बाद 75 KMPL का माइलेज यहाँ पर रेजडा और फसीनो के निकल गया है। पिछली बार हमने जो किया था उसका अप्रॉक्सीमेटली 100 का गया था, इस बार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये हो गई, लाइक काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी वेदर भी ख़राब था, उसी वजह से अच्छे से हम शूट भी नहीं कर पाए। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो रखा है। एंड गाइस पिछली बार का जो इवेंट हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ था, एंड इस बार का भी काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ, यमा ऐसे इवेंट कराते रहता है, एंड एक इसका काफ़ी अच्छा इवेंट होने होगा, तो उसमें हम बेबी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उस इवेंट की सारी डिटेल वीडियो सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम डिटेल्स में डालेंगे, तो वहाँ से आप पता कर लेना कि हम कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मेबी उस इवेंट में हम पार्टिसिपेट करें, और काफ़ी अच्छा इवेंट है, तो उसमें मैं आगे डिटेल बाद में बता दूंगा। तो गाइस ये रहा आज का पूरा हमारा
डे की आज हमने क्या क्या किया एंड इवेंट काफ़ी अच्छा था, इवेंट हो गया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नए नए लोगों के साथ ये हमने ये राइड करी। तो थैंक्स फॉर यमा, बिग थैंक्स यमा की तरफ से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। स्कूटर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट डिटेल शोरूम की मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।